खारजा पॉलिसी आप देखें, खारजा पॉलिसी पे इनकी हिकमत अमली देखें। एक कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान किया बग़ैर सोचे समझे, दफ्तर खारजा के मशवरे के बग़ैर। अब दफ्तर खारजा की वो दस्तावेज़ सामने आ गई है जिसमें दफ्तर खारजा कहता है कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन जिसकी समझ ही ना हो उसे कौन समझा। सऊदी अरब को नाराज़ किया कि आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस करने वाले बेहतरीन दोस्त जो हैं तुर्की और मलेशिया, उनको नाराज़ किया कि आप कॉन्फ्रेंस में आए नहीं। इसको ये कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह, ये इनकी खारजा पॉलिसी। मईशत की बात मैं आपसे पहले IMF की रिपोर्ट के हवाले से कर चुका हूँ। सियासत इनकी क्या है? सियासत नाम होता है कौम को जोड़ने का। ये हमारे खिलाफ धरना दे के बैठे हुए थे और रोज नारे जो लगाते थे वो आपके इलम में, पार्लियामेंट पे हमला करते थे, वजीर आजम को गरेबान से पकड़ के बाहर घसीटने की बातें करते थे, और 120 दिन इनको हो चुके थे। नवाज शरीफ साहब ने एक लम्हा इन बातों को याद नहीं रखा कि ये क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। उन्होंने इमरान खान साहब को भी वजीर आजम हाउस के अंदर बुलाया और इसी तरह का एक मेज़ था उस पर बिठा दिया इमरान खान साहब को। आसफ जरदारी साहब भी उस मेज़ पर बैठे थे, असवंद यार वली भी बैठे थे, बजिंजो साहब बैठे थे, महमूद खान अचकजई बैठे थे, जमात इस्लामी के अमीर बैठे थे, सबको बिठा लिया उस मेज़ पर। और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे कहा कि हम सारी क्यादत मुत्तफिका तौर पर आपको पूरी पूरी हमायत देते हैं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें। कौम को जोड़ा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ये तो कौम को तकसीम करते हैं, इनकी सियासत इंतकाम लेने की सियासत है। तो सियासत नाकाम, मईशत नाकाम, सफारतकारी नाकाम। अब अगर तो नाकामियों में इजाफा करना है मेरा ख्याल काफी गुफ्तगू भी होगी। और 2020 जो है ना वो सही कह रहे हैं तरक्की का साल है, क्योंकि इन्होंने नहीं होना तो तरक्की तो आप ही हो जानी जब इन्हें नहीं होना। फिर आया इधर चला खत्म कर देता शुक्रिया कह दे तू जोर इतना कर जोर से शुक्रिया कह ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਦੇ। आप ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी अगर परवेज साहब मेहरबानी फरमा दें तो देखिए, अभी तक ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपना बिल जो है, मुसवदा जो है
उसको असम्बली में लेके आए। अभी तक तो वो इसमें कामयाब ही नहीं। जब वो असम्बली में मसौदा लेके आएंगे तो हमारी जमात उन पर अपना पूरा किरदार अदा करेगी। जिस दिन वो BRTB के मुजरमों को पकड़ेंगे, BRT के मुजरमों को, फिर उनकी बात की कोई गवाही देगा ना। मेरा ख्याल है यार आज का दिन जो है एक 25 दिसंबर का हवाला बिल्कुल और है। ये बातें फिर आपसे करते रहेंगे। Thank you.
ہے